सभी को जय हिंद। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल जो सत्यमेव जयते 20,000 का जो है इम्पोर्टेंट आंकड़ा पार हो चुका है। उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जितने भी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह जो इसको सब्सक्राइब करें, इनका शेयर करें, अपने कमेंट दें। जो भी मैं वीडियो निकालता हूँ सत्य के ऊपर आधारित होता है, इस चैनल को जो है आप आगे बढ़ाइए। और आज जो है आप सभी लोग, मैं महसूस करता हूँ कि दशहरा का जो पुण्य पर्व समाप्ति की ओर है, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से मनाया होगा। दशहरा जो दुर्गा पूजा, दुर्गा जो भगवान को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो इस चैनल में देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जो भी अभी वीडियो में निकालता हूं, जो हमारे हाई कोर्ट में जो केस विलंबित है, जो पेंडिंग है, उसके ऊपर जो है मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमने कोर्ट को अंडरटेकिंग दे रखा है, जैसे पहले भी मैं आपको बताया है। वैसे आज जो वैसे जुडिशल सिस्टम से है मेरा आज की जो मेन जो सब्जेक्ट है, टाइटल है इस वीडियो का। मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि हमारे जो कोर्ट्स वगैरह में जो पेंडिंग केसेस हैं उसके बारे में, तो मुझे एक आर्टिकल मिला, पब्लिश हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था नवंबर 2016 को। उन्होंने जो है एक स्टैटिस्टिक्स भी दिया है, उसका जो लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल लिखा गया था तीन व्यक्ति द्वारा, जिसका शीर्षक था जस्टिस डिलेड, यानी कि आप सभी को पता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड कहते हैं। तो जस्टिस डिलेड के टॉपिक में ये आर्टिकल लिखा गया था 15 नवंबर 2016 को, और बाई सत्य प्रकाश भद्र सिन्हा एंड स्वयंबाम रॉकी सिंह द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है, जिसमें बहुत ही जो इंटरेस्टिंग जो फिगर्स वगैरह भी देखे उसमें ये जिक्र करते से, उन्होंने तीन पार्ट में आर्टिकल लिखा था। पहला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका है वी एक्सप्लोर द माउंटिंग बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस, जो पेंडिंग केस जो होते हैं कोर्ट में उसका जो माउंटिंग, जो हर दिन जो है इसका जो पेंडिंग केसेस का नंबर आगे आगे को बढ़ रहा है, और सीवियर शॉर्टेज ऑफ जजेस। भारत की जो ज्यूडिशियल सिस्टम है आप सभी को पता है ये 3 लेयर में होता है। सबसे नीचे तट पर होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भारत में, उसके ऊपर है हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट्स। ये जो तीनों जो कोर्ट्स हैं उसके जो टोटल पेंडिंग केसेस उस वक्त कितना था उसके बारे में जिक्र कर रखा है, और कोर्ट में जो जजेस की जो शॉर्टेज है उसके बारे में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो है व्याख्यान कर रखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक केस के बारे में बताया था कि एक 85 साल का जो ये होते हैं कपल्स का, एक केस का जो है जजमेंट आया था 32 साल बाद। देखिए उसमें जज ने भी जो है काफ़ी इंडिया का जो स्लो पेस जो होते हैं, काफ़ी धीमी तरीके से जो चल रहा है कोर्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया था जज ने भी, और कहा था देखिए इसमें लिखा है इन 2014 की बात है, देखिए इन 2014 द दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड डाइवोर्स टू एन 85-year-old मैन आफ्टर ए लीगल बैटल स्पेनिंग 32 years दैट रियूंड ऑल होप्स ऑफ रिज्यूमिंग ए मैरिड लाइफ। एक्चुअल में शादी का मामला मेरे ख्याल से कंटेस्ट रहा होगा, जो कि म्यूचुअल जो डाइवोर्स की जो बात होता है वो जल्दी मिल जाना चाहिए। इसी बीच जो है मेरे एक दोस्त हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनसे मैं इसका जिक्र कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक बार वो भी गया था फैमिली कोर्ट में किसी काम से, तो वहाँ पे देखा मैं एक जज जो है विद इन 10 मिनट्स आते ही करीब 22 जो डाइवोर्स केस का जो है उन्होंने जजमेंट दे दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी ये देखिए डाइवोर्स जो केस जाते हैं स्पेशली कोर्ट में, ये तो हाई कोर्ट का था जो कि 32 साल बाद जो जजमेंट दिया है, शायद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता था होगा। तो जो म्यूचुअल जो इन्होंने काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है वो अगर मानते नहीं हैं कपल्स, तो इनको डाइवोर्स दे देना चाहिए दोनों को समझा के, क्योंकि उनका दोबारा जो शादी का जो ज़िंदगी काट सके। और ये जो पार्टिकुलर केस है जिसके बारे में इस आर्टिकल में जिक्र किया है, 85 साल का हो चुका था जो हस्बैंड, और 32 साल जो है उन्होंने कोर्ट का चक्कर काटते हुए उनको मिला था फाइनल एक जजमेंट, तो उनका जो शादी लाइफ का तो कोई होप ही नहीं रहा दोबारा जो है शादी में रखने के लिए। तो इन्होंने जो है एक उसमें ही उसी जो केस में उसने कहा था दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट केस वेयर द पार्टीज़ हैव स्पेंट मोर देन हाफ ऑफ देयर मैरिड लाइफ
in the allies of the court, the High Court said, expressing anguish over the slow process of justice. मैंने जो जज ने जो लिखा था उसी में उन्होंने इसको भी व्याख्यान किया था, क्योंकि देखिए इनका 32 साल जो मैरिड लाइफ था ये कोर्ट का ही चक्कर काटने में लग गए, जो कपल्स जो कि बहुत ही अशोभनीय है, मतलब ये भारत की जो स्लो प्रोसेस के बारे में उन्होंने कहा था। इसमें ये भी लिखा है देखिए, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन नहीं था, मतलब उसी में रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है देखिए, भारत में जो पेंडिंग केसेस की संख्या उस वक्त थी 27 मिलियन यानी कि 2.7 करोड़, जो आज जो है वो डबल हो चुका है। देखिए ये जो जून 2024 का आंकड़ा मैंने जब देखा तो अभी है 51 मिलियन यानी कि 5.1 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जिनमें से 180,000 जो केस हैं मोर देन 30 ईयर्स, देखिए 30 साल से भी अधिक जो चल रहा है। अब सभी को पता होना चाहिए कि इतने जो वो काफ़ी जो है क्या बताएं इसको हम सोचनीय है ये भारत की जो ज्यूडिशियल सिस्टम किस ओर जा रहा है। और ये जो इसमें देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ, वो जो मीटिंग हुआ था जुडिशरी के बारे में 2016 में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उपस्थित थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस ठाकुर सर, जस्टिस टी एस ठाकुर थे, उन्होंने उस जो कॉन्फ्रेंस था जुडिशरी का, जो स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में, तो उनके आँख से आंसू भी टपक पड़े थे, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो बैकलॉग जो जमा होता जा रहा है पेंडिंग केसेस, उसके ऊपर उन्होंने कहा था, जिसमें मोदी जी भी जैसे मैंने कहा उपस्थित थे, 70,000 जजेस की आवश्यकता पड़ेगी इस जो है केस को सुलझाने में। तो मैं कहता हूँ कि देखिए जो जो चीफ जस्टिस का जो है, जो कि मेन जजेस को अपॉइंट करते हैं, और लॉ मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके ऊपर जो है गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक आंकड़ा मैं बता दूँ, उस वक्त जो 2016 की आंकड़ा, यानी कि कितने जजेस ऑथराइज थे, कितने अपॉइंटी थे, कितने वैकेंसी थे, और उस वक्त जो है हर एक कोर्ट में कितना टोटल पेंडिंग केस चल रहा था। नंबर वन देखे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ऑथराइज स्ट्रेंथ था 31 जजेस की, जिसके 31 जज में जो 26 जज करंट थे और 5 की वैकेंसी थी सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट्स को मिला के 1069 यानी कि 1079 का वैकेंसी था, वैकेंसी नहीं टोटल स्ट्रंग था ऑथराइज, जिसमें 615 उस वक्त सर्विस में थे जजेस और 464 जजेस की वैकेंसी थी, यानी कि इतना फिल करना बाकी था। पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेके 21,017 ऑथराइज था, जिसमें 16,851 को जजेस थे वहाँ पे, करंट स्ट्रंग था इनका, और 4,166 का वैकेंसी था, यानी कि टोटल देखिए 22,127 का टोटल ऑथराइज स्ट्रंग के अगेंस्ट में 17,492 जो करंट स्ट्रंग था, और वैकेंसी था टोटल 4,635 का देखिए। और बैकलॉग देख लीजिए आप, बैकलॉग जो है 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में था, अभी क्या है 1,80,000 कुछ बता रहे हैं आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पेंडिंग केस है, यानी कि क्या देखिए 60,000 से तिगुना हो गया है 1,80,000। और हाई कोर्ट्स में उस वक्त के पेंडिंग केसेस था 38,91,076, और जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, नीचे के जो कोर्ट है, टोटल जो है 2,30,79,723 यानी कि लगभग जो है 2.7 करोड़ जो है टोटल मिला के भारत में उस वक्त 27 मिलियन यानी कि 2.7 करोड़ पेंडिंग केसेस थे। आज जो है देखिए वो 51 मिलियन हो चुका है, यानी कि 5.1 करोड़, ये जो संख्या है ये जो आगे को बढ़ता ही जा रहा है देखिए। इसलिए मैं और जो 5 अन्य देशों के साथ भी कंपेयर किया उस रिपोर्ट में, मैं बता दूँ आपको कि लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो पॉपुलेशन है उसमें कितने जज भारत में हैं और अन्य जो कंट्री में है। देखिए सबसे ऊपर जिसमें लिखा गया है, उस वक्त फ्रांस में 10 लाख पॉपुलेशन के मध्य 124 जजेस हुआ करता था, और यूएसए में उस वक्त 108 जज था पर मिलियन, ऑस्ट्रेलिया में 40 था, इंग्लैंड में 22 देखे, जबकि भारत में केवल 17 था। और ये भी लिखा है इस रिपोर्ट में कि भारतीय जो लॉ कमीशन है उन्होंने 50 जज का रिकमेंड कर चुका था कि हर पर मिलियन यानी कि 10 लाख के जो पॉपुलेशन में एटलीस्ट 50 जजेस होना ज़रूरी है, जब था कितना 17 जज। तो
ये जो है काफ़ी मतलब क्या हम कहेंगे कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो है अगर लोगों का भरोसा वापस लाना है तो सरकार को और जो जुडिशरी है जो हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उनके कॉलेजियम वगैरह है उनको साथ बैठ के यानी कि सरकार में एग्जीक्यूटिव में एक तो लॉ मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, इनका मीटिंग चलता रहता है हर साल, इस साल भी हुआ था हम देखते हैं। तो इसके ऊपर जो है क्योंकि जितना पढ़ा लिखा हो रहा है जनता उतना ही केसेस जो है कोर्ट वगैरह में है और जजेस भी जो है काफ़ी बोझ में है, देखिए काफ़ी मतलब इतने सारे केसेस आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ जो है आर्टिकल मुझे और मिले हैं जो कुछ जज जो सुप्रीम ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक तो है जस्टिस जसमीत जी जो है वो 2021 में जज बने थे उनका और उनके साथ एक और जज की बात हो रहा था, काफ़ी प्रशंसा कर रहा था। जो भी लिस्टेड केस है देखिए एक दिन का लिस्टेड केस पिछले साल की बात है, वो वैकेंट जो छुट्टी में जो जज बनता है जो जब छुट्टी होता है कोर्ट का तो उसमें जो है उन्होंने मिडनाइट 13 घंटा लगातार जो है उन्होंने कोर्ट में बैठा, 15 जो है आइटम 15 केसेस पेंडिंग था, अगले दिन छुट्टी होने के बावजूद भी जो है उन्होंने उसको टैकल किया, यानी कि जो लिस्टेड जो केस को कंप्लीट किया उन्होंने, ये काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय है। और कुछ इस प्रकार से कि जो लिस्टेड केस होता है उनको पूरा अगर सुनते हैं जज कुछ और समय लेकर, और इसके अलावा जो जैसे बताया वैकेंसीज़ को जो फिलअप करते हैं इसमें जुडिशरी भी जो लॉ मिनिस्ट्री है सरकार भी जो है केवल प्राइम मिनिस्टर जाके मीटिंग अटेंड करना फिर उनको पता रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करना, कुछ फंड ज़्यादा करना, और जितना जो वैकेंसी है उतने तो लगभग होना चाहिए जज। और स्पेशल जो है मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 5 साल से जो ज़्यादा जो केसेस है उनका अलग बेंच बनाना, उनका जो है स्पेशली जो है लगातार सुनवाई करने से जो है मैं समझता हूँ कि कुछ जो पेंडिंग केसेस कम हो सकते हैं, भारत की जो आम जनता है जो कोर्ट के जो चक्कर लगा रहे हैं उनको एक आश्वासन मिल सकता है, लोगों का जो दिल जो है वापस जो है हम जुडिशरी पर आ सकता है। आज तक इतना ही, अगला वीडियो कोई और सब्जेक्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।